नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपकी छत पर भी पीपल उगाया है और आप सोच रहे हैं पीपल का उगना शुभ होता है या अशुभ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। अब बात कर लेते हैं पीपल की। तो पीपल को हमारे पुराणों में विशेष ही महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जो दर्जा ब्राह्मण को मिला हुआ है, उसी तरीके का दर्जा वृक्षों में पीपल को मिला है। अगर बात करी जाए इस पीपल के वृक्ष की, तो यह हमारे पुराणों में विशेषकर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह पाताबरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पेड़ वातावरण को शुद्ध तो करता ही है, इसके अलावा इसमें औषधीय गुणों का भंडार भी मौजूद होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अवगुण के बारे में। अगर बात करी जाए तो यह पेड़ अक्सर हमारे छतों पर, हमारे भवनों की दीवारों पर और ऐसे स्थानों पर उगाता है जहां हमारी इच्छा नहीं होती है ये पेड़ उगे और हमें मजबूरन उखाड़ना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यदि ये पेड़ आपके छत पर या आपकी दीवार पर उग आया है तो आप क्या करें। आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये पवित्र पेड़ है और इसको उखाड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं और इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो कुछ बिना सोचे समझे इस पेड़ को उखाड़ देते हैं और आने वाले समय में उनको बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके छत पर या आपके घर की दीवार पर ये पेड़ उगाया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे में पुराणों में, हमारे पुराणों में इसका भी एक समाधान दिया गया है। ये अगर पुराणों के अनुसार अगर बात करी जाए, श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपके ऊपर समस्या है तो आप धर्म को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको समस्या से निकलना है। ऐसा महाभारत में उन्होंने करके भी दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी छत पर, आपके भवन पर ये पेड़ उग आया है, तो उसकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। आप इस धर्म को निभाने के लिए आप ब्रह्मदेव का ध्यान करिए और उनसे क्षमा याचना करिए कि हमारी वृक्ष जो है हमारी दीवारों के आसपास उगाया है, तो ये अपराध हम इसे उखाड़ना चाहते हैं, तो हमें क्षमा करें, और इतना कहकर आप पेड़ उखाड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें।